हाई गाइज़, हेलो एवरी वन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल. आई एम कश्मीरा. आज के वीडियो में हम कुछ डिफरेंट देखेंगे, कुछ डिफरेंट सीखने वाले हैं. तो ये जो MDF का टिश्यू बॉक्स है उसका हम मेकओवर करेंगे. तो आप अगर इसको परचेस करते हो तो आपको डायरेक्टली ऐसा मिलेगा, कुछ भी नहीं होगा इसके ऊपर. तो सबसे पहला स्टेप जो हम करेंगे वो है जेसो. तो बेस हमें पहले क्रिएट करना है, ठीक है. तो बेस कोट के लिए हम ये वाइट जेसो अप्लाई कर रहे हैं. अप्लाई करने के लिए आप कोई भी अच्छा फ्लैट ब्रश यूज़ कर लो. मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो फ्लैट ब्रश नंबर 12 है, वो इट्सी बिट्सी का है. अब आपको ये जो जेसो है वो पूरे बॉक्स के ऊपर दे देना है, ठीक है. एक अच्छा सा कोट दे दो और उसको ड्राई होने दो. अब ड्राई होने के बाद आप सेकेंड कोट भी दे सकते हो, बट आई डोंट थिंक सो कि नेसेसरी है. अब इसके ऊपर आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो, ऑफकोर्स एक्रेलिक या चॉक पेंट या मल्टी सर्फेस पेंट, जो भी कलर आपके पास है आप यूज़ कर सकते हो. तो ये जो है ये बटर मिल्क शेड है चॉक पेंट का, वो मैं दे रही हूँ. तो इसको हम अगेन पूरे टिश्यू बॉक्स के ऊपर दे देंगे और इसको भी हम पूरा ड्राई होने देंगे. लाइक मिनिमम 2 आवर्स तो हम इसको पूरा ड्राई होने देंगे अच्छे से. अब इसके बाद मैं ये वन स्टेप क्रैकल मीडियम यूज़ करने वाली हूँ इसके ऊपर. ये ऐसे जेल जैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है. तो इसके लिए भी आप कोई भी फ्लैट ब्रश यूज़ कर लो और आपको एक कोट दे देना है इसका पूरे टिश्यू बॉक्स के ऊपर. उसको भी ड्राई होने देना है और उसके बाद आप जो भी दूसरा कलर यूज़ करना चाहते हो वो आप इसके ऊपर यूज़ करो. तो जब भी आप क्रैकल इफ़ेक्ट देना चाहते हो तो अब आप 2 कलर यूज़ करोगे, राइट. जो आपका मेन कलर रहेगा वो, और जो क्रैक्स के बीच में दिखेगा वो एक दूसरा कलर. तो आप सिमिलर स्टेप्स से आप उल्टा भी कर सकते हो. लाइक पहले आप ये वाला कलर दे सकते हो, फिर क्रैकल मीडियम का जो एक पेस्ट है उसका कोट, और फिर आप बटर मिल्क शेड जो मैंने पहले दी थी वो भी कर सकते हो. तो आपका लुक कैसा आएगा कि बटर मिल्क शेड आएगी और इसके अंदर क्रैक्स जो दिखेंगे, क्रैक्स के बीच में आपका ये वाला कलर दिखेगा, टील वाला. तो ऐसा भी आप कर सकते हो, या डिफरेंट डिफरेंट कलर्स और कॉम्बिनेशंस यूज़ करके भी आप कर सकते हो. जितने ज़्यादा कलर्स उतने ज़्यादा कॉम्बिनेशंस होते हैं और बहुत सुंदर सुंदर कॉम्बिनेशंस आप इसमें कर सकते हो. अब देखो जो क्रैक्स है वो दिखने लगे हैं, और इसी तरह से आपको पूरे बॉक्स पे करना है. और ये हो गया है, अब ये ड्राई भी हो चुका है. अब जब ये पूरा ड्राई हो जाएगा उसके बाद फिनिशिंग के लिए हम वार्निश यूज़ करेंगे. मैं डेकोर वार्निश यूज़ कर रही हूँ ग्लॉस फिनिश का. आई थिंक इसको ग्लॉस फिनिश ज़्यादा अच्छी दिखेगी, इसलिए मैंने ग्लॉस चूज़ किया. तो आपको एक अच्छा सा कोट दे देना है, आप 2 या 3 कोट भी दे सकते हो ज़्यादा अच्छे फिनिशिंग के लिए. अब इसको हमें डेकोरेट करना है, और बट डेकोरेट करने से पहले हम फिनिशिंग करेंगे उसको, क्योंकि अगर हम हैंडमेड फ्लावर्स से डेकोरेट करते हैं तो उसके नीचे हम वार्निश नहीं दे सकते, राइट. तो पहले हम वार्निश दे देंगे. अब सेम इसके लिए भी आप फ्लैट ब्रश यूज़ कर लो, और ये जो भी ब्रश आप यूज़ कर रहे हो ये ईजीली क्लीन कर सकते हो आप. तो ऐसा नहीं कि आप वार्निश यूज़ कर रहे हो तो आपको थिनर या टर्पेंटाइन यूज़ करना पड़ेगा. वार्निश पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लस आई बटन में है, वो एक बार चेक कर लो. अब इसके बाद हम ये जो टिश्यूज़ है ये इसके अंदर डाल देंगे, और ये इतना ईजीली हम इसको पैक कर सकते हैं. That's it.
अब इसको डेकोरेट करने के लिए ये वाइट फ्लावर्स आई थॉट अच्छे लगेंगे, एंड यस ये बहुत अच्छे लग रहे हैं इसके ऊपर। तो हम एक कॉर्नर में लगाएंगे और दूसरा एक कॉर्नर में ये लगा देंगे। ये देखो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, ऐसा लगाओ या ऐसा लगाओ। तो ऐसा होता है, आप लगाने से पहले ऑफकोर्स हम अलग अलग एंगल से देखते हैं, राइट। तो ये है हमारा आज का DIY और ये इसका फाइनल लुक है। गाइज आपको आज का ये सिंपल सा DIY और क्रैकल इफेक्ट कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो गाइज सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।